नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार के बांका जिले में मदरसे में हुए बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर के बिहार की सियासत गर्म है। इसको लेकर के सियासी पार्टियों की तरफ से जांच की मांग की जा रही है। इस बीच बीजेपी के विधायक का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, इस मामले को उठाते हुए बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर, उन्होंने विवादित बयान दे दिया है और राजनीतिक सरगर्मी इससे बढ़ गई है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मस्जिद और मदरसों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इन जगहों पर सिर्फ आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि जिस तरह से बांका के मदरसे में ब्लास्ट हुआ है, उससे यह बात साबित होती है कि केवल वहां आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। विधायक ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है सरकार से और तुरंत कार्रवाई करने की भी मांग की है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अपने बयान में यहां तक कह दिया है कि मदरसों में दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रताड़ित करने की शिक्षा दी जाती है। उन्होंने कहा है कि मदरसों में यह पाठ पढ़ाया जाता है कि कमजोर वर्ग को इतना परेशान करो कि वह इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर हो जाए। उन्होंने बिहार के किशनगंज, दरभंगा, जमुई और गोपालगंज की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि दलित वर्ग पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा जिस तरह से प्रताड़ना की खबरें आ रही है, उससे यह साबित होता है यह सब सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। मदरसा से पढ़कर कहां बना कोई इंजीनियर, उनका साफ कहना है। भाजपा विधायक ने कहा कि मदरसा की शिक्षा से आज तक कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना है। हरिभूषण ठाकुर ने बिहार सरकार से बिहार के सभी मस्जिद और मदरसों की जांच कराने की मांग की है। साथ ही कहा है कि सभी मदरसों की जांच हो और उन्हें बंद किया जाए। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर इस तरह के विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। नवटोलिया में जो नूरी मदरसा में विस्फोट हुआ है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही यह बात अब स्पष्ट हो गया है कि धार्मिक शिक्षा के आड़ में पूरे मदरसा में बच्चों को आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। वो बिहार सरकार और देश के सरकार से फंड लेकर देश द्रोहियों का अड्डा बनता जा रहा है मदरसा। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। साथ साथ बिहार के सभी मदरसों की जांच हो, क्योंकि धार्मिक शिक्षा के नाम पर दूसरे को नहीं बर्दाश्त करना, अपनी सस्ता काम करना, ये उनकी धार्मिक फितरत है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ और पूरे बिहार में जो अभी दलित पिछड़ों पर, चाहे वो बेतिया हो, चाहे वो पूर्णिया हो और मेरे बिस्फी विधानसभा में भी जो दलित पिछड़ों पर एक धर्म विशेष के लोग, खास करके मुसलमानों के द्वारा जो गरीब दलित पिछड़ा पर अत्याचार हो रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और बिहार के सारे मदरसों की जांच कराई जाए। मैं तो कहता हूं कि मदरसों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा कभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। उसका माइंड सेटअप ही आतंकवादी और दूसरों को बर्दाश्त करने का नहीं होता है। वह केवल अपने धर्म को ही मानता है और दूसरे के धर्म को लोगों को मारने काटने के लिए उसमें पढ़ाया जाता है। इसलिए अविलंब मदरसा बंद हो, बिहार के सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए। अल्पसंख्यकों को लेकर के इससे पहले भी इनके कई बयान सामने आ चुके हैं। ऐसे में बांका के इस घटना के बाद एक बार फिर से हरिभूषण ठाकुर ने एक बार फिर से सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। अपने बयान के द्वारा बड़ा बयान दे दिया है, विवादित बयान दे दिया है। अब देखने वाली बात होती है कि इनके इस बयान के बाद सियासी पार्टियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।